हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, इस वीडियो में हम बनाएंगे बेबी स्कर्ट। इसे बनाने के लिए मैंने 1 मीटर का फैब्रिक लिया हुआ है। तो गाइस, लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले मैं ऊपर का बेल कट करूंगी। इसके लिए मैंने 2 फोल्ड में रखा है इसे, और इसकी लेंथ मैंने ली है 6 इंचेस। 2 इंचेस आपको फोल्डिंग के लिए और चाहिए, इसलिए मैंने इसे 6 इंचेस रखा हुआ है। अब यहाँ पे आपको कमर की जो भी ब्रॉडनेस है उसे हाफ करना है और इसमें 3 इंचेस ऐड करना है। तो इस तरह से यहाँ पे मैंने 12 इंचेस लिया है। अब यहाँ पे नीचे मैं लूँगी 14 इंचेस, तो यहाँ पे मैं 2 इंचेस ऐड करूँगी। तो इस तरह से ये मैं क्रॉस में बैल कट करूँगी। अब दोनों को मिलाते हुए मैं यहाँ पे लाइन ड्रॉ करूँगी। तो बस इसे अब कट कर लेना है। अब मैं यहाँ से कट लगाऊंगी। तो ये देखिए, मैंने इसे 2 हिस्सों में डिवाइड कर लिया है, फ्रंट और बैक के लिए। अब लोअर पार्ट के लिए मैंने एक इस तरह से 2 रेक्टेंगल पीस कट कर लिए हैं। इसकी ब्रॉडनेस मैंने ली है 31 इंचेस और लेंथ मैंने ली है 15 इंचेस। अब यहाँ पे मैं गैदरिंग बनाने वाली हूँ, तो यहाँ पे सबसे पहले मैं यहाँ पे सिलाई लगाऊंगी बड़ी वाली। तो इस तरह से ये मैंने सिलाई लगा दी है। अब मैं एक धागे को हल्के हाथों से खींचूंगी। तो बस आपको हल्के हाथों से इसे खींचते जाना है और आपकी गैदरिंग तैयार होती जाएगी। इसी तरह से आपको पूरी लेंथ में इसे बनाना है। इसी तरह से हम बैक पार्ट में भी बनाएंगे। तो ये देखिए, हमने दोनों पार्ट में इस तरह से गैदरिंग तैयार कर ली है। इसकी ब्रॉडनेस और इसकी ब्रॉडनेस सेम होनी चाहिए, उतनी ही आपको गैदरिंग तैयार करनी है। अब यहाँ पे हम एक लेस लगाने वाले हैं। तो इस तरह की ये मैंने पॉम पॉम लेस ली है, इसे हम इसके ऊपर रख के सिलाई लगाएंगे। तो बस आपको इसके ऊपर सीधा रख के सिलाई लगानी है। इसी तरह से मैं बैक पार्ट में भी लगाऊंगी। तो ये देखिए, हमने इस तरह से यहाँ पे इसे फिक्स कर दिया है। अब हम बैल को ज्वाइन करेंगे। तो ये हमारा राइट पार्ट है, इसके ऊपर मैं बैल को उल्टा रखूंगी और दोनों को अच्छे से मिलाते हुए मैं सिलाई लगाऊंगी। तो इस तरह से मैं सिलाई लगाऊंगी। इसी तरह से मैं बैक पार्ट को भी ज्वाइन करूंगी। तो ये देखिए, मैंने दोनों को ज्वाइन कर लिया है। अब ये मेरा राइट पार्ट है, उसके ऊपर मैं दूसरे पार्ट को उल्टा रखूंगी। यानी दोनों राइट पार्ट को मिलाते हुए आपको यहाँ पे सिलाई करनी है। तो यहाँ पे मैं नीचे तक सिलाई करूँगी और इस तरफ भी मैं सिलाई करूँगी। तो ये देखिए, हमने फिटिंग कर ली है। अब हम ऊपर का बैल फोल्ड करेंगे। तो सबसे पहले मैं छोटा सा फोल्ड करूँगी, उसके बाद मैं यहाँ पे 2 इंचेस का बैल बनाऊँगी। तो इस तरह से बड़ा फोल्ड करना है आपको, 2 इंचेस जितना, और पूरी लेंथ में सिलाई लगानी है। तो ये देखिए, मैंने सिलाई लगा दी है और यहाँ पे मैंने इतना हिस्सा खुला रखा है। यहाँ से हम इलास्टिक पास करेंगे। तो ये मैंने इलास्टिक ले है, आपकी जो भी कमर की साइज है उससे आपको 2 से 3 इंच कम रखनी है। तो यहाँ से मैं इसे पास करूँगी।
तो इस तरह से आपको पास करनी है इलास्टिक को। तो ये देखिए मैंने पास कर लिया। अब दोनों को मिलाते हुए मैं यहाँ पे सिलाई लगाऊंगी और मैं इसे अंदर डाल के जो हिस्सा हमने ओपन रखा था इसे बंद कर दूंगी। और मैंने ऊपर इस तरह की एक सिलाई लगा के इसे फिक्स कर दिया है। अब हम नीचे की बॉर्डर फोल्ड करेंगे। तो इसे मैं रॉन्ग साइड पे डबल फोल्ड करके पूरी लेंथ में सिलाई लगाऊंगी। तो ये देखिए हमने डबल फोल्ड कर लिया है। अब मैं नीचे लेस लगाने वाली हूँ। तो इस तरह की ये मैंने लेस ली है। इसे मैं एंड पे रख के सिलाई लगाऊंगी और इसके ऊपर मैं एक रिबन रखूंगी। तो दोनों को मिलाते हुए मैं साथ में इसे फिक्स करूंगी। तो इस तरह से आपको दोनों को साथ में इसे फिक्स करना है। इसके ऊपर में एक और रिबन लगाऊंगी और पूरी लेंथ में सिलाई लगाऊंगी। तो इस तरह से आपको एक के ऊपर एक को ओवरलैप करके पूरी लेंथ में सिलाई लगानी है। दोनों को साथ में मिलाते जाना है और सिलाई लगानी है। इसी तरह से पूरी लेंथ में मैं इसे फिक्स करूंगी। तो ये देखिए मैंने दोनों को अच्छे से लगा दिया है। अब मैं पिंक रिबन को इसके ऊपर लगाऊंगी। तो इस तरह से आपको इसके ऊपर रख के 1 इंच जितना डिस्टेंस मेंटेन करते हुए पूरी लेंथ में इसे लगाना है। तो गाइस तैयार है हमारा बेबी स्कर्ट। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक करें और इसे शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद उस बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि आपको हमारे आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।